आप लोग देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं जो कि बाजा बजा रहे हैं। अब उन बाजों का कोई भी काम नहीं है। अब देखें, उन्होंने इतनी अपनी जान दे के ये मुल्क को हासिल किया है। इस मुल्क के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बट ये लोग बाजा बजा रहे हैं, इसके पीछे तो कोई नहीं है। उन्हें फिलहाल बाजा बजाने की बजाय उनके साले साहब के लिए कोई दुआ करनी चाहिए। और हाँ, मैं हुकूमत को एक ये भी पैगाम दूंगा कि जो हमारे लाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, इन लाइटिंग को ख़त्म करके क्यों ना यही पैसे, यही मनी जो है कलेक्ट करके फ़लस्तीन के लिए उन पे लगाई जाए, ताकि वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड कर सके, उनके लिए खाने वगैरह की, उनके रिहाइश का बंदोबस्त कर सके। इस तरह ये होगा कि उन लोगों की इमदाद भी हो जाएगी, और हमें जो बेसिकली पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था, जो एक हमने कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने उसको भी तो एक पूरा करना है ना। जो एक मदीने की रियासत थी, हम उस रियासत को भी मुकम्मल कर पाएंगे। इस तरह बाजे बजा के हम डिफरेंट, इस तरह तो पाकिस्तान हम बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकेंगे। नई जनरेशन है, वो बाजे बजाने को, बाइकों के सिलेंसर लगाने को इन्हीं को जाना वो आज़ादी का जश्न समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। और इनके जो घर वाले हैं वो भी कहते हैं कि इतों निकल जाओ, इतने ना हो जाना, साढ़े को ना हो जाना, बाहर जाके जाना ना, लोगों को जलील करो। वो अपना तो देख लेते हैं मगर वो दूसरों का नहीं देखते, तो इस चीज़ पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। और हुकूमत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले। छोटे बच्चे हैं वो भी जो है ना यहाँ पे बाजे पकड़ के जो ना के दिनों में गलियों में निकल जाते हैं, गली मोहल्लों में छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो इन्हें मना करना जो है वो आम आदमी के वैसे तो बस की बात ही नहीं है, ठीक है। ये किसी की ना सुनते हैं ना किसी की समझते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले और इन्हें मना करे। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाजों का शोर है, कम करें, नॉइस पोल्यूशन को कम करें, ये जो मोटरसाइकिल पे सिलेंसर वगैरह उतार लेते हैं इसे कम करें, इसको ना लगाएं, कम करने के बजाय ना लगाएं, क्योंकि जो बीमार है, किसी को भी दिल का मसला है या किसी और चीज़ का मसला है, उसके लिए नुकसानदेह है, दूसरों के लिए नुकसानदेह भी है कि उसके जो धुआँ निकलेगा वो एयर पोल्यूशन ख़राब करेगा आगे। वैसे ही इसके लाहौर में काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। देखिए, बात यह है कि हमने जो आज़ादी ली है वो बड़ी कुर्बानियों का समर है, और जो ये दिन है एक बड़ा मुतबर्रिक और पाक दिन है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तानी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं चाहे मुस्लिम हैं, वो सब के सब जो हैं वो इस दिन की अहमियत को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है। तो आज के दिन हमें बजाय शोर शराबा और इस तरह की बातों के बजाय हमें दुआ करनी चाहिए परवरदिगार से कि हमारे मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम जो है वो करे, और परवरदिगार हमारे मुल्क को बढ़ाए फुलाए और एक अच्छी राह पर गामजन करें।